हाँ दोस्तों, तो हमारे एरिया में आज आने वाले हैं नरेंद्र मोदी, तो उसी को स्वागत किया था। पब्लिक यहाँ पे जमा हो चुकी है और देख सकते हैं यहाँ पे पीछे सब भव्य स्वागत किया है नरेंद्र मोदी जी का, देख सकते हैं दूसरा पब्लिक का क्रेज है यहाँ पे। इसके भाई गाड़ी तुम्हारी है, गाड़ी तुम्हारी है, एक बेटा हो गया होगा। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, पूरी पब्लिक यहाँ पे सब नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए आई है। सकल तो दिखी नहीं, गाड़ी दिखी, गाड़ी तो देखते गए। रोड शो बोलते हैं, रोड शो किसको बोलते, पैदल चले। डबल इंजन सरकार यहाँ पे 100 रुपया कहते हैं। पब्लिक देख के लग रहा है कि आएगा तो मोदी। आएगा तो मोदी मेरे पीछे सिक्योरिटी लगता है। मोदी जी का भाषण खत्म होने वाला है और अभी वो निकलने वाले हैं, तो आने के पहले तो क्लियर करा रहे, पब्लिक को संभाल रहे हैं और थोड़ी देर के बाद मोदी जी वापस निकलेंगे यहाँ से। तो फिर इस तरह से घटा रही है, तो बने रहिए, ये वीडियो देखते हैं मोदी जी अपना दर्शन देते हैं कि नहीं। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों, ये नीलगिरी सर्कल है उदना यार्ड, और सर्कल के पास ही ये पूरी पब्लिक जमा हुई है और उधर की पब्लिक इधर आ रही है, मगर यहाँ की पब्लिक को उधर जाने नहीं दे रहे क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा है, स्टेडियम छोटा है, पूरा स्टेडियम फुल है। तो देखते हैं, वेट करते हैं कि हमें कब मौका मिलेगा वहाँ जाने का। और देख सकते हैं पूरे सर्कल को घेर के पब्लिक खड़ी हुई है यहाँ पे और मोदी जी का राह देख रहे हैं सब, इतनी कड़क की धूप के अंदर। देखो पुलिस की गाड़ी जा रही है और इतनी कड़ाके की धूप के अंदर भी लोग मोदी को सिर्फ एक झलक पाने के लिए वक्त है कि मोदी जी जब भाषण खत्म करके अपने जाएंगे तो उनको भी अपने चहेते नेताजी की, प्यारे नेताजी की एक झलक देखने को मिल जाए। देख सकते दोस्तों, ये सब पुलिस कर्मी, पुलिस वाले किस तरह से सब रोड के क्लियर करते हैं। और सबसे दोस्तों यही चल रहा है कि सब रोड क्लियर करवा रहे हैं, मगर मोदी जी आ नहीं रहे। देखते कब आते हैं मोदी जी, पुलिस की गाड़ी फिर से आई है और लगता है कि मोदी जी आ चुके हैं।
बिल्कुल दोस्तों, मोदी जी भी आने वाले कुछ सेकंड में। देखिए कमांडो के सब गाड़ियां जा रही है, ये रहे हमारे चैत्य नेता जी मोदी जी। बिल्कुल दोस्तों, जो पहले वाली ब्लैक कलर की गाड़ी थी उसके अंदर थे मोदी जी। चैत्य नेता जी दो घंटे से हम खड़े थे राव में कि नेताजी की एक झलक मिल गया मोदी जी की, और चैत्य नेता जी अभी चले गए हैं। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों, मोदी जी चले गए और उनका काफिला ये जा रहा है, और हम वही के वही खड़े हैं। एम्बुलेंस भी गई दोस्तों, साथ में देख सकते हैं। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है ऐसा होना नहीं चाहिए, तो तुरंत एम्बुलेंस भी उनके साथ में रहती है। तो ये पूरा काफिला चला जा रहा है मोदी जी का। तो देखते हैं दोस्तों अब कब इनको रोड ब्लॉक के लोग तोड़ते हैं, और कब इनको घर जाने मिलता है, और कब हम भी स्टेडियम में जाके स्टेडियम का नज़ारा आपको दिखा पाते हैं। तो पब्लिक देख सकते हैं दोस्तों, ये और कोई गाड़ी नेताजी की रह गई थी, अभी नेताजी जैसे निकले पब्लिक को छोड़ दिया गया है। बस पब्लिक सब निकल चुकी है, सब अपने अपने घरों के लिए अब जा रहे हैं। देख सकते हैं आप लोगों ने पोस्टर भी फाड़ लिए, नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर तक अपने घरों पर ले जा रहे हैं। देख सकते हैं देखते हैं कि मोदी जी के पोस्टर को ले जा रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यही वो स्टेडियम में जा कर दुर्गा जी नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया है। देख सकते हैं कितना भव्य स्टेडियम बनाया हुआ था, और अभी अभी मोदी जी ने यहाँ पर भाषण देते थे। आगे जाके और दिखाते हैं आपको किस तरह का स्टेडियम बना हुआ है। बहुत बहुत आज
तरह से भव्य स्टेडियम का और एंट्री गेट का यहाँ पे मोदी जी का कुछ इस तरह से ये स्टेडियम बनाया हुआ था। तकरीबन कम से कम 50,000 लोग तो यहाँ पे थे। आपको हम अंदर लेके चलते हैं स्टेज की तरफ कि किस तरह से यहाँ पे स्टेज वगैरह बना हुआ है और कुछ जगह भाषण देंगे, मंत्री लोग आएंगे, वो सब जगह दिखाते हैं। अभी स्टेडियम बहुत भव्य बना हुआ है, देख सकते हैं आप। पानी वानी की व्यवस्था भी यहाँ की हुई है। फोटो लाना, एक गिलास पानी वाने जोड़ो पूरा। थैंक यू बॉस। तो यहाँ पे पीने के पानी की भी व्यवस्था की हुई है। स्टेज के तरफ हाय हाय ऊपर आ गया थोड़ा। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ रहे हैं स्टेज के तरफ, यहाँ पे मोदी जी ने भाषण दिया था और इस पूरा मैदान की साफ सफाई करके सब एकदम ओके करके रखा हुआ था। जवा दो भाई जवा दो। और यही है वो स्टेज जहाँ पे मोदी जी भाषण देने वाले हैं। और ये यहाँ पे रूट बनाया हुआ था कि किस तरह से पूरा रूट बनाया हुआ था कि इस तरह से गाड़ी आएगी मोदी जी की और इस तरह से जाएगी, पूरा प्रोटोकॉल सेट था। VIP पास एरिया, VIP सेकंड की सर्विस वहाँ पे लिखा हुआ है VIP, पूरा VIP सेटिंग एरिया था यहाँ का। और दोस्तों ये सब जो एरिया हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये सब VIP एरिया सेटिंग एरिया था और जो लोकल एरिया थे रेजिडेंस वो सब वहाँ पीछे देख रहे थे। तो VIP एरिया दिखा रहे थे आपको किस तरह से था, देख सकते हैं मेरे पीछे। तो दोस्तों ये सब जो सीटिंग एरिया वहाँ पे क्या चले गए ना लड़के लोग। तो दोस्तों ये है यहाँ का VIP सीटिंग एरिया और हम बैठे हैं अभी यहाँ पर और ये हमारे भाई यहाँ पे साथ में हैं। तो जिन लोगों के पास पास था बस वही यहाँ बैठ सकते थे, अगर अभी सब चले गए तो हम बिना पास के यहाँ देख चुके हैं। तो एक तरफ से सीट तो बहुत बढ़िया है, अब नेता लोगों के लिए हम जैसे लोगों को प्लास्टिक की खुशी होती है। तो चलो स्टेज पे भी जाके जरा देखते हैं क्या है। तो ये
मेरी यहाँ पे सीटिंग एरिया था VIP। तो दोस्तों देख सकते हैं यही वो भव्य स्टेज है जहाँ से मोदी जी ने भाषण दिया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे पीछे यही वो भव्य स्टेज है जहाँ से खड़े होकर मोदी जी ने अभी थोड़ी देर पहले भाषण किया है। सब VIP पार्किंग वगैरह हुई थी और यहाँ से एंट्री होने वाली है मोदी जी की, यहाँ से आएंगे।